हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे कुकिंग चैनल देसी खाना बाय खुशबू में। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी दम आलू की रेसिपी। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने इधर ये पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें सभी एक साइज़ के जो बेबी पटेटो हैं वो डाल देंगे और एक विसल लेके कुक कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें खुला भी उबाल सकते हैं अगर आपको डर है कि यह क्रैक हो जाएंगे तो। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के एक विसल होने तक कुक कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे, हमारे आलू थोड़ी देर बाद हो गए हैं पक के रेडी। इस तरह से इसमें कुछ भी क्रैक नहीं है, मतलब आलू परफेक्टली कुक हुए हैं। और इधर हम थोड़ी देर बाद इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये कम्प्लीटली ठंडे होना चाहिए, नहीं तो फ्राई करने पे यह तेल कढ़ाई में चिपकेंगे और इससे शेप अच्छा नहीं आएगा। आप चाहें तो पहले उबाल के रख लें। और हमने इधर सामान ले लिया है, जिसमें मैंने लिया एक बड़ा सा प्याज और लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक लिया है। और मैंने ये टमाटर भी कट करके रेडी कर लिए हैं मसाले के लिए। ये हमारे आलू कम्प्लीटली कोल्ड हो गए हैं। अब हम इन्हें पील कर लेंगे साथ साथ और हमारा मसाला भी भुन के रेडी कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, तेल अभी थोड़ा ही डालें क्योंकि हमें बाद में भी ऐड करना है। हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इन्हें हल्का सा स्टर करेंगे ताकि इनका मॉइस्चर कम हो जाए और यह जब मसाला बनाएंगे तो जल्दी कुक हो जाए। और ऐसे करने से इसकी ग्रेवी भी बहुत स्मूथ आती है, होटल के जैसे। अगर हम डायरेक्टली इनको पीस के करते हैं ना तो उतनी अच्छी ग्रेवी नहीं आता उसका टेक्स्चर। मैं ये लहसुन भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से इनको हम कुक कर लेंगे। और साथ साथ में हम आलू भी पील करके रेडी कर लेंगे। हमारे ये प्याज लहसुन हो गए हैं कुक। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे, कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दें, उसके बाद ही मिक्सर में ग्राइंड करें इन्हें। और इसी कढ़ाई में अब हम हमारे टमाटर भी कुक कर लेंगे, इससे भी टमाटर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है प्यूरी का। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाएगा इसीलिए मैं इकट्ठा ही डालूंगी। हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, अब इन्हें हम इस बाउल में निकाल लेंगे और इसी को वॉश करके इसमें हम मसाला रेडी कर लेंगे। अब मैंने इधर ये कढ़ाई ले ली है, अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसे सेमी फ्राई सेलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और उस वाली कढ़ाई में मेरे आलू चिपक रहे थे इसलिए मैंने ये चेंज कर दी है। और इसमें हम अब अच्छे से आलू को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने पर। थोड़ा हाई फ्लेम पे ही पकाएं, नहीं तो यह नीचे से चिपकेंगे। इनको पकाने से इसका टेस्ट अच्छा आता है और ये ग्रेवी में टूटते नहीं हैं, जैसे शेप है वैसा ही बना रहता है। हमारी ये गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक हो गए। ये ऐसे खाने में बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं, आप चाहे तो स्नैक्स में दे सकते हैं। और इधर हमने वो पहले वाली कढ़ाई यूज़ की है, अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। मैंने काली मिर्ची लौंग नहीं डाला है, आप वो ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारा जो प्याज का मिक्सचर था वो अब हम इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे। और यह पहले से भुना हुए अनियन है तो यह मसाला जल्दी कुक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्हें स्टार्टिंग में कम ऑयल में ही भुने क्योंकि यह बाद में बहुत ऑयल रिलीज़ कर देते हैं। थोड़ा चलाते हुए कम ऑयल में भून लें इन्हें। ये जो साइड में हमारे क्रिस्पी फ्राई पटेटो हैं उनमें उनको हम फोक की हेल्प से होल कर लेंगे ताकि जब हम इन्हें ग्रेवी में डालें तो ये अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब कर ले।
हम इन्हें चार चार पाँच पाँच करके ऐसे होल कर लेंगे। और ये हमारा मसाला थोड़ा ड्राई हो गया है, अब हम इसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल देंगे। मैंने इसमें मिर्ची की क्वांटिटी कम रखी है, आप थोड़ा बढ़ा के डालें मिर्ची, क्योंकि मैं बाद में तड़का लगाने वाली हूँ। इस तरह से ये हमारा मसाला अनियन का थोड़ा अच्छे से कुक हो गया, इसको थोड़ा सा और कुक होने देंगे, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी है। आप देख सकते हैं हमारा प्याज का मसाला भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। ये थोड़ा नीचे से चिपक रहा था, लेकिन जैसे ही हम टमाटर की प्यूरी डालते हैं ये अच्छे से बैलेंस हो जाता है, चिपकता नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने मसाले में ऑयल कम ही रखा है, क्योंकि मैं और मेरी बेटी थोड़ा कम ऑयल खाते हैं। मैं बाद में तड़का डालूंगी। इस तरह की मसाले वाली सब्जी में मुझे ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल एडजस्ट कर ले। इधर हमने हमारा ये मसाला भुन रहा है, और इधर हमने तड़के के लिए कढ़ाई भी रख दी है। हम तड़का बना के रख लेंगे, फिर बाद में जब हमारी सब्जी बन जाएगी तो हम डाल देंगे। आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी डालें स्वीट होने के लिए, और इससे बैलेंस फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसके बाद मैंने मसाले में अच्छी खटाई और स्मूथ टेक्सचर के लिए, क्रीमी टेक्सचर के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच दही डाला है, और इसे हम तुरंत फेंट लेंगे दही को डालते ही, नहीं तो यह दही फट जाती है कभी कभी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर हमारा तेल भी अच्छा गर्म हो गया है तड़के के लिए। मैं अभी दही मिला रही हूँ, इसलिए मैंने ऑयल हटा दिया है तड़के वाला, नहीं तो जल जाता। जैसे ही यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और हम इसको दही डालने के बाद और इसको पकने देंगे कि जब तक कि ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज ना हो जाए या कलर ना आ जाए। ऑयल तो मैंने कम ही रखा है वैसे। अब हम इसमें तड़का लगा देंगे ताकि ये थोड़ी सी तीखी हो जाए और इसमें ऑयल भी आ जाए और इसका स्वाद भी बदल जाए, सब्जी का अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा ऑयल अवॉइड करती हूँ ज़्यादा। इसमें मैंने ये खड़ी लाल मिर्ची डाल दी है और हरी मिर्ची डाल दी है, और तीखे के लिए मैंने ये लाल मिर्ची भी डाल दी है। अब हम तड़का बना के साइड कर देंगे इसे। इसके बाद हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, आप चाहे तो इसमें टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे, आप ग्रेवी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, या तो आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला खाना है तो थोड़ा और पानी डाल दे, और अगर गाढ़ी सब्जी खाना है तो पानी कम रखें। मैंने अभी पानी कम ही रखा है। पानी बॉईल ही डाले, इससे सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने और थोड़ा पानी ऐड कर दिया है इसमें, और अब हम इसे कुक होने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, फिर हम पटेटो डाल देंगे। आप ये ग्रेवी वाली जो सब्जी रहती है इसको बनने के बाद एक बार टेस्ट थोड़ा सा कर ले, ताकि इसमें सभी मसाले, नमक, खटाई, शक्कर वगैरह अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इसके बाद हमने जो ये तड़का बनाया था, अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे चरके के लिए और थोड़े ऑयल के लिए, और मैं और मेरी बेटी के लिए हम इस तरह से अलग रख लेंगे और इधर अलग कर लेंगे। इससे देखिए आप अच्छा सा ढाबे जैसा एकदम कलर और टेक्सचर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे अच्छे से। देखिए हमारी दो तरह की सब्जी, कम ऑयल वाली और ज़्यादा ऑयल वाली, बनके रेडी है। और आप भी इस तरह सब्जी बनाइए, और जिन्हें ऑयल नहीं खाना हो वो ऐसे अलग कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।